वेलकम टू पावर आईक्यू। पावर आईक्यू पे मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के लेसन में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। वीडियो में कुछ गैप हो गया था, उसके लिए सॉरी। आज के बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। आज के बाद कोई भी गैप नहीं होगा। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज का पॉइंट क्या है देखिए, क्या है, लोगों को नहीं अपने हालातों को बदलो, लोग अपने आप बदल जाएंगे, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर लोगों को बदलते रहेंगे तो आप बदलते ही रह जाएंगे, ठीक है? अगर अपने आप को बदलेंगे तो जान लीजिए कि आप लोगों को बदल दिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को एक सक्सेसफुल हो पर्सन होकर दिखाइए, ठीक? तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बदलिए, अपने आप में इम्प्रूव करिए, ना कि दूसरों को देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है, वो खा रहा है या नहीं खा रहा है। पहले अपने आप को देखिए। अगर आज अपने आप को बदल दिए तो कल आपका होगा, ठीक है? तो कल लोग भी आपको जानने लगेंगे। तो पहले अपने आप को, अपने हालातों को बदलिए, फिर लोगों को, लोग अपने आप बदल जाएंगे। कहने का मतलब ये है इसका, ठीक है? तो बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। देखिए हमारा पार्ट नेक्स्ट क्या है। आज का हमारा टॉपिक किस पे बेस्ड है? बेस्ड है समय, यानी टाइम पे बेस्ड है। टाइम, इसमें क्या कहते हैं, टाइम याद करना है, ठीक है? तो इसी पे बेस्ड है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कितने समय बाद साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से मूलधन स्वयं का 2 गुना हो जाए, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है, इन व्हाट टाइम ये सम विल डबल इटसेल्फ एट 12% एनुअल रेट ऑफ सम इन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? मतलब कह रहा है, यदि कितने समय बाद साधारण ब्याज की 12%, ठीक है, 12% वार्षिक दर से मूलधन स्वयं का दोगुना, ठीक है, मूलधन स्वयं का 2 गुना होगा, ठीक है, मूलधन स्वयं का 2 गुना होगा कितने वर्षों में। तो इसी पे बेस जानेंगे, स्वयं का 2 गुना, ठीक। तो देखिए इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी मूलधन एक होता, इसमें होगा 2 गुना, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा, 2, ठीक। तो और इसमें देखेंगे SI परसेंटेज क्या होगा, ठीक। तो SI परसेंटेज क्या होता है, SI परसेंटेज बराबर होता है रेट इनटू टाइम परसेंट, ठीक है, यही होता है। तो इसमें रेट क्या है और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ठीक। तो देखिए अब देखिए इसमें इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि एक ज़्यादा है तो यानी एक क्या हुआ इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है अमाउंट बराबर, ठीक। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है यही अमाउंट बराबर। तो SI परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम परसेंटेज, ठीक है, यही होगा। तो फिर देखिए इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट कितना है कुछ नहीं पता, ठीक। तो ये एक हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए टाइम क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, अब टाइम रेट कितना है यहाँ, 12%, यानी टाइम 100% बटे में 12, ठीक है, बटे में 12। तो इसको काटिए, तो 2 से काटेंगे, तो 2 से अगर काटेंगे, 2 से नहीं, 4 से काटिए,
तो दो दुनिया चार, नहीं 25 चौका 100 और 4 3 12, 25 चौका 100, सॉरी 25 चौका 100 और 4 3 12, ठीक है। तो यानी टाइम बराबर क्या आ गया, 25/3, यही आ गया। उसके बाद देखिए बराबर रेट क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा टाइम 1/3 ईयर, यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 ईयर, और अब 1/3 है तो इसको लिख सकते हैं 2/3, तो 3 से काटी तो 4, यानी 8, ये आ जाएगा हमारा क्या जाएगा, 8 ईयर, और क्या आ जाएगा ये 4 मंथ, यही हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 8 ईयर और 4 मंथ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, क्या है देखिए, रेट ऑफ सर्टेन सम एंड सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनम पर एनम फॉर ए डेफिनेट पीरियड वाज 10:3, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्टेड मनी। मतलब कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और किसी समय का अनुपात, किसी समय का अनुपात 10:13 था, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा, इन इन समय का समय सॉरी यानी यहाँ रहेगा समय का ब्याज, समय का ब्याज अनुपात यहाँ ब्याज की समय की जगह पे क्या रहेगा, ब्याज क्या रहेगा, ब्याज रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा ब्याज। मतलब कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और किसी ब्याज का अनुपात 10:3 था, निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी, निवेश किए धन की अवधि कितने वर्ष थी, हमसे यही पूछा है। तो इसको फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात दिया है, प्रिंसिपल 10 है और इंटरेस्ट 3 है, ठीक है, ये दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम हमको ज्ञात करना है, ठीक है, हमसे यही पूछा है। तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक। तो देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम अगर परसेंटेज भी बनाने के लिए तो इसको हम 100 बना लेते हैं, इसको हम 30 बना लेंगे, ठीक है, 10 से गुणा करा देंगे दोनों तरफ, ठीक। तो अब हमारा SI परसेंटेज क्या हो जाएगा, रेट परसेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है, जिसमें से रेट परसेंट कितना है 30%, कितना है 30%, और रेट कितना है, रेट कितना है 10%, ठीक, गुणे में टाइम को ज्ञात करना है। तो इधर इसको पक्षांतर कर देंगे, पहले इसको काट दीजिए और ये काट दीजिए, ठीक है। तो टाइम यहीं से देख लीजिए आ जाएगा, टाइम बराबर क्या आ जाएगा 3 ईयर्स, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। स्टूडेंट देखिए कितना सा क्वेश्चन था सॉल्व सरल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 1860 रुपये 12%
प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय या वर्ष में 2641.20 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पोस्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सॉल्व ये क्वेश्चन हो ही गया होता है, अब देखते हैं हम सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 860 यानी 860 क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, रेट कितना है 12%। उसके बाद क्या कहते हैं, अमाउंट कितना है, इसमें अमाउंट है 241.20। ठीक है, 241.20 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। ठीक, और SI, फिर अब देखेंगे SI परसेंटेज क्या होगा। SI परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, देखिए तो 1800, ठीक है, 18 इसमें से अमाउंट में से 818 प्रिंसिपल निकालेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब निकालेंगे तो इंटरेस्ट आएगा 781.20 आएगा। ठीक है, तो 781.20 बटे में मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे में 100। ठीक है, गुणे में 100%। ठीक, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो लगभग, इससे काटिए तो लगभग हमारा लगभग क्या 42% आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये SI बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट, यही होता है। तो जिसमें से रेट हमें क्या दिया है, रेट दिया है 12, तो यानी 42% बराबर 12%। ठीक है, गुणे में टी, तो इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये पहले तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा और इसको काटिए तो 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 7 21, 3 करने 3, 3 चौके 12 यानी 14 आ गया। अब इसको काटिए 2 से, तो 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा और 4 दूनी, और इसको काटिएगा तो 7 आ जाएगा। यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टाइम बराबर हमारा हो जाएगा 7/2, तो यानी हो जाएगा 3 सही 1/2 ईयर। यही हमारा आंसर हो गया, या 3 ईयर, इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 मंथ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन इक्वल टू द सेम सम अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इज रिच रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज सेम नंबर्स। मतलब कह रहा है एक धनराशि पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर है। ठीक है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर है तदनुसार वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में होंगे। ठीक है, ये पूछा है हमें क्वेश्चन में, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक धनराशि पर सिंपल इंटरेस्ट वह धनराशि के बराबर है, साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर है, तो इसमें प्रिंसिपल हमारा क्या होगा और टाइम क्या होगा। ठीक है, तो बराबर है यानी 1 और 1 होगा। ठीक है, 1 और 1 होगा, तो यहाँ से हम SI परसेंटेज निकालेंगे। SI परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, 100% के बराबर होगा, क्योंकि 1% 1 बराबर 100% के बराबर होता है। तो यहाँ से SI होता है क्या, रेट इंटू टाइम परसेंटेज होता है। ठीक है, तो जिसमें से क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रेट टाइम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेट
और टाइम की जगह पे, या टाइम रेट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, टाइम इंटू टाइम, ठीक है, बराबर हंड्रेड हंड्रेड, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा हंड्रेड, तो यानी टाइम स्क्वायर बराबर हो जाएगा दस, ठीक है, नहीं सॉरी हंड्रेड, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा दस, ठीक है, दस ईयर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप लोग सोचेंगे कि सर ट्रिक बता दीजिए, तो इसमें क्या ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिएगा, उसके बाद हंड्रेड का टी स्क्वायर कर दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा दस ईयर, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि एक धनराशि टी वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, मतलब एक धनराशि टी वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, कितने समय में यह स्वयं की चौगुनी हो जाएगी, ठीक है, हमसे यही पूछा है। जिस अब इसमें देखिए हमें ना तो पी आर और ना ही पी, यानी ना ही रेट और ना ही प्रिंसिपल का क्या कहते हैं व्याख्या किया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ना प्रिंसिपल दिया ना रेट दिया है, दिया क्या है टाइम और इंटरेस्ट, टाइम और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया है। तो आप जानते ही हैं कि क्या कहते हैं, क्या होता है कि टाइम वन टाइम और टू बटे में टू टाइम बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट वन और इंटरेस्ट टू, यही होता है, ठीक है, यही हमारा क्या है कॉन्सेप्ट है, तो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है, टी वर्षों में स्वयं की दोगुनी, ठीक है, टी वर्षों में स्वयं की दोगुनी, दोगुनी यानी दो, तो इसमें क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, कितने समय में, यानी कह सकते हैं कि ये टी वन हो गया और टी टू समय में स्वयं की चौगुनी, यानी स्वयं की चौगुनी यानी चार, तो यहाँ से ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो इसी पे रखिए सूत्र पे, तो टाइम कितना है, टाइम क्या है, देखिए टाइम हमारा क्या है, टाइम क्या हो जाएगा टी बटे में, ये टी हो जाएगा और उसके बाद ये क्या दिया है, यक्स पूछा है, ठीक है, कितने समय में, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टी बटे में ये हो गया यक्स के बराबर, ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, पहले में इंटरेस्ट कितना है, कितना है बताइए, पहले में इंटरेस्ट एक है और दूसरे में तीन है, ठीक है, तीन है। पहले देखिए क्वेश्चन में दिया टाइम टी वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, मतलब टी वर्षों में, ना ही ये ए वन नहीं, यानी टी बराबर दिया है दो बटे तीन, ठीक है, तीन टी और पूछा क्या है, यक्स पूछा है, ठीक है, तो इसको करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा हमारा थ्री टी, यही क्या हो जाएगा थ्री टी वर्षों में, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को दो तीन बार पढ़िए तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षों में एक धनराशि छः सही एक बटा चार परसेंट प्रतिवर्ष के एसआई पर दोगुना हो जाएगी, यही हमसे पूछा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, कह रहा है कितने वर्षों में एक धनराशि छः सही एक बटा चार प्रतिशत प्रतिवर्ष के एसआई परसेंट पर दोगुना हो जाएगी, ठीक है, दोगुना हो जाएगी, तो इसमें से प्रिंसिपल क्या होगा, दो गुना हो जाएगी, तो अमाउंट हो जाएगा दो और प्रिंसिपल एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एसआई क्या होगा, एसआई बराबर एक होगा, ठीक है, तो फिर एसआई परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 100%, ठीक है, जो कि इस
सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट, यही होता है। तो टाइम हम जो कि रेट हमें दिया है कितना दिया है, छः सही 1/4 दिया। तो इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/4, ये हो जाएगा रेट बराबर, ठीक है। तो इसमें रख दीजिए तो टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये परसेंटेज हट जाएगा, तो टी बराबर हमारा हो जाएगा 100। उसके बाद 25/4 यानी 4 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे रहेगा, ठीक है, 25 नीचे रहेगा, ठीक। तो 25 चौका 100, तो 4 चौका 16, ठीक है, तो 4 चौका। सो स्टूडेंट देखिए, ये क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कितने वर्षों में एक धनराशि 6 से 1/4% प्रतिवर्ष के SI पर दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अमाउंट 2 हो जाएगा और प्रिंसिपल 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से SI इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल निकल जाएगा तो इंटरेस्ट बचेगा, अब इसलिए इंटरेस्ट 1 हो गया। तो SI परसेंट यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज बराबर 100%, और जो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, आर गुणे में टी परसेंट हो जाए। तो यहाँ से हम इसको टी रेट को रखेंगे जब इसको, तो हो जाएगा 100 और 25/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ईयर्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो क्वेश्चन, तो स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर, ये SI क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, ठीक है, पर धन नियोजित करने पर 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो 4 गुना करने के लिए अपेक्षा समय ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन नियोजित करने पर 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 4 गुना करने के लिए अपेक्षित समय ज्ञात करें, ठीक है। हमसे टाइम पूछा है, जिसमें ना तो हमें क्या कहते हैं, रेट का जिक्र किया है और ना ही प्रिंसिपल का जिक्र किया है, ठीक है। तो हमें पता क्या है, टाइम पता है और इंटरेस्ट पता है, ठीक है। और जिसमें देखिए इस कॉन्सेप्ट क्या है, T1/T2 I1/I2, ठीक है, जिसमें से T1 के दिया है 8 दिया है और T2 यक्स दिया है, और बराबर I1 2 दिया है और I2 कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। तो 2 से इसको काटिए तो 4 आ जाएगा, तो 4 × 3 = 12, यानी यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 12, ठीक है, 12 ईयर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो या आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, किसी विशेष योजना में SI पर धन नियोजित करने पर 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी 8 वर्षों में 3 गुना, 1 का 3 गुना हो जाएगा, तो ये अमाउंट 3 हो जाएगा और प्रिंसिपल 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 गुना करने के लिए अपेक्षित समय यानी 4 गुना, यानी 1 का 4 गुना, यानी अमाउंट 4 हो जाएगा और प्रिंसिपल 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 2 जाएगा, और यहाँ से इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो इस सूत्र पे हम कॉन्सेप्ट पे रख देंगे तो आ जाएगा, तो T1 क्या है, 8 है, और T2 पूछा यानी x हो जाएगा, I1 2 है और I2 क्या हो जाएगा, I1 क्या है, 2 है, और I2 क्या है, I2 क्या है, 3 है, क्या है, I2 क्या है, 3 है, I2 क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसे इसको हल करेंगे तो 12 ईयर्स आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट। तो आज के लेसन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल को फॉलो करिएगा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।